सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मैं हूँ रुखसाना अख्तर और आप सब लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह ताला खैरियत से होंगे। आज एक और रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए और ये बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है। इसका नाम है चीज़ी गार्लिक ब्रेड। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और गार्लिक के बारे में तो आपको पता है कि इसके कितने फ़ायदे हैं, हम आपके लिए फ़वाइद वाली चीज़ ज़्यादा लेके आते हैं। आजकल बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं तो लहसुन जो है खाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आता है तो लोग खाते नहीं हैं। तो आज आपको जो रेसिपी हम बता रहे हैं ये बहुत फ़ायदे की है, इसलिए कि इसमें ये गार्लिक शामिल है। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, जड़ से ख़त्म कर देता है। अगर आप जो है रोज़ाना नहार हों दो लहसुन की जवे खाएंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर से जो है आप बच के रहेंगे। दिल के लिए बहुत अच्छा है, दिल के दौरे से ये बचाता है, तो यानी कि ये ताकत का खजाना है। तो किसी ना किसी तरीके से लहसुन ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह आप खाएँगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप जो है ये ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, लंच में भी खा सकते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं किस तरह बनाना है इसको। हमने ये 2 टेबल स्पून जो है ये मक्खन लिया बटर, और इसमें जो है हम ये 1 टेबल स्पून हमने ये गार्लिक जो चॉप कर लिया है। आप चॉप कर लीजिए या इसको बारीक बारीक काट लीजिए। 1 टेबल स्पून हो गया, और 1/4 जो है हम इसमें से थोड़ी सी ये कुटी लाल मिर्च डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो ये बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी। और ये हरा धनिया जो है 1 चम्मच जो है हरा धनिया, और ये ओरिगानो डालेंगे 1/4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम ये जो हमने बटर तैयार किया है अपना इस पर लगाएंगे और स्लाइस के ऊपर अच्छी तरह से इसको कवर करेंगे पूरा। देखिए हमारा पूरा लग गया है ये अच्छी तरह से। अब हम इसके अंदर जो है चीज़ डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छी तरह से इसके अंदर हम चीज़ डाल देंगे। इसको चीज़ से फिल कर देंगे। रिक्वेस्ट आई थी मेरी फ्रेंड है ये फारिया और बासमा, इनकी रिक्वेस्ट पे ये मैं बना रही हूँ। उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद है तो उन्होंने काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप ये बना दीजिए, आप ये बनाइए। तो मैंने कहा चलिए हम ये बना लेती हूँ। ये देखिए हमने फिल कर दिया इसको। अब इसको जो है इसके ऊपर रखेंगे अच्छी तरह से, और फिर इसको हम इधर वाले हिस्से में भी हम बटर और ये इसका मिक्सचर जो है इस तरह से लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है ये। इसका एक सॉस भी बनता है, आप सॉस के साथ भी खा सकते हैं इसको। मैं फिर सॉस जो है आप लोगों को बाद में बताऊंगी। बहुत मज़ेदार आलू का सॉस बनता है वो। तो फ्राई कर लेंगे और हमारा बहुत ही मज़ेदार जो है चीज़ी तैयार, चीज़ी गार्लिक ब्रेड जो है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा तैयार हो जाएगा। तो आइए चलें बनाते हैं इसको। चलें, हम इस पर फ्राई करने के लिए हमने इसको रख दिया है। बहुत ही अच्छा सा इंशाल्लाह ये बनेगा। ये देखें अभी हमारा ये तैयार हो रहा है थोड़ा अंदर से चीज़, ताकि पूरी पक जाए। तो लो फ्लेम पे इसको बना, तो मैं ये कह रही थी कि ये खून को लहसुन जो है गाढ़ा नहीं होने देता है। तो जो लोग एस्कार्ट खा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा गोलियां ना खाया करें, क्योंकि वो केमिकल से भरी हुई होती हैं। वो अगर लहसुन खाना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह ताला उनको एस्कार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग कोशिश ये करिए कि लहसुन का इस्तेमाल अपने ग़िज़ा में शामिल करके रखिए, इंशाल्लाह ताला हर बीमारी से बचे रहेंगे। अब ये हमारी जो ब्रेड, बहुत ही हमारा यमी सा और बहुत ही डिलीशियस सा जो है चीज़ी गार्लिक ब्रेड जो है वो तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, आप बच्चों को ये लंच में दे सकती हैं। और ज़बरदस्त हमारा चीज़ी गार्लिक ब्रेड बना है ये, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। खाने से
जरा चाहिएगा शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगा ये। और एक दुआ है, मैं आपको बताती हूँ कि घर से निकलते वक्त सुबह को या हफिज़ो या सलाम 11 दफ़ा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला खैर के साथ घर आएंगे। और जहाँ रहिए खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।